एक्सट्रीम लर्निंग में आपका स्वागत है। और ज्यादा वीडियोस के लिए एक्सट्रीम लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल बाउंड्री लेयर के बारे में और देखेंगे कि थर्मल बाउंड्री लेयर कैसे डेवलप होती है। तो जिन्होंने एक्सट्रीम लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं, एक बार हम डायग्राम का ओवरव्यू ले लेते हैं, इससे समझने में आसानी रहेगी। एक्स डायरेक्शन में हमने एक हॉट सरफेस रखी है, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन से ही एक कोल्ड फ्लूड फ्लो कर रहा है जिसका टेम्परेचर टी इनफाइनाइट है और वेलोसिटी यू इनफाइनाइट है। यहाँ पे जो डेल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाउंड्री लेयर थिकनेस को, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है थर्मल बाउंड्री लेयर को, और टी एस जो है सरफेस टेम्परेचर है, टी एस जो है ग्रेटर देन है टी इनफाइनाइट से, मतलब सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा है कोल्ड फ्लूड के टेम्परेचर से। अब समझते हैं इसके कंसेप्ट को। इफ द फ्लूड फ्लोइंग ऑन ए सरफेस हैज अ डिफरेंट टेम्परेचर देन द सरफेस, द थर्मल बाउंड्री लेयर डेवलप्ड इज सिमिलर टू वेलोसिटी बाउंड्री लेयर। अगर कोई फ्लूड किसी सरफेस पे फ्लो कर रहा है और उस फ्लूड का टेम्परेचर सरफेस के टेम्परेचर से कम या ज्यादा है तो वहां पे हमें क्या मिलेगी? थर्मल बाउंड्री लेयर। अब देखते हैं कि थर्मल बाउंड्री लेयर कैसे डेवलप होती है। कंसीडर अ फ्लूड एट टेम्परेचर टी इनफाइनाइट फ्लोज ओवर ए सरफेस एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी एस। द फ्लूड पार्टिकल्स इन एडजेसेंट लेयर टू द प्लेट गेट द सेम टेम्परेचर डेट ऑफ सरफेस। द पार्टिकल्स एक्सचेंज हीट एनर्जी विद पार्टिकल्स इन एडजॉइनिंग फ्लूड लेयर एंड सो ऑन। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर डेवलप्ड इन द फ्लूड लेयर्स एंड द टेम्परेचर प्रोफाइल इज डेवलप्ड इन द फ्लूड फ्लो विच रेंजेस फ्रॉम टेम्परेचर टी एस एट सरफेस टू द फ्लूड टेम्परेचर टी इनफाइनाइट विच इज सफिशियंटली फार फ्रॉम द सरफेस इन वाई डायरेक्शन। अब इसको समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। इसमें क्या है, हमारी एक हॉट सरफेस है एक्स डायरेक्शन में और उस पे क्या हो रहा है, एक कोल्ड फ्लूड फ्लो कर रहा है वो भी एक्स डायरेक्शन में जिसका टेम्परेचर है टी इनफाइनाइट और वेलोसिटी क्या है यू इनफाइनाइट। जैसे ही कोल्ड फ्लूड हॉट फ्लूड के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो होगा क्या, ये हमारी हॉट सरफेस है और ये हमारी कोल्ड फ्लूड है जो लेयर्स में फ्लो कर रहा है। तो जो वेरी फर्स्ट लेयर होगी फ्लूड की वो जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में आएगी तो इससे हीट एब्जॉर्ब करेगी और जितना इस सरफेस का टेम्परेचर होगा उतना ही टेम्परेचर फर्स्ट लेयर का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सेम इससे ऊपर जो लेयर होगी वो इससे कम हीट एब्जॉर्ब कर पाएगी, मतलब यहां तक। फिर ऐसे ही जो ऊपर वाली लेयर होगी इससे उसमें जो हीट डिसिपेट होगी हॉट सरफेस से वो इसके कंपेरिजन में कम होगी। तो ऐसे ऐसे करके हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां पर हीट डिसिपेट होनी बिल्कुल ही कम हो जाएगी, वो पॉइंट यहां पर है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद जो हमें टेम्परेचर मिलेगा वो सेम कोल्ड फ्लूड का मिलेगा जो स्टार्टिंग में था टी इनफाइनाइट, वही टेम्परेचर हमें यहां पर मिलेगा। जो यहां पर डेल जो आपको दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, ठीक है। ऐसे ही अगर फ्लूड आगे फ्लो करेगा तो हमें और भी प्रोफाइल मिलेगी, वो इस तरीके से मैंने यहां पे शो की है। वो कैसे डेवलप होगी, जैसे ही फ्लूड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो और ज्यादा हीट यहां से एब्जॉर्ब होगी क्योंकि यहां पे सरफेस और मिलेगी फ्लूड को, ठीक है। इससे ऊपर वाली जो सरफेस होगी उसमें जो हीट ट्रांसफर होगी हॉट सरफेस से वो इस लेयर के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। फिर और ऊपर जाएंगे तो हीट ट्रांसफर क्या होगा हॉट सरफेस से इस लेयर तक, कम हो जाएगी। तो एक पॉइंट मिलेगा जहां तक हीट ट्रांसफर बिल्कुल बंद हो चुकी होगी और इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर मिलेगा हमें फ्लूड का वो अप्रोक्सीमेट कोल्ड फ्लूड के टेम्परेचर की जितना मिलेगा, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद जो हमें टेम्परेचर मिलेगा वो सेम मिलेगा जितना कि यहां पे था टी इनफाइनाइट। जैसे ही हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमें जो लाइन मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल बाउंड्री लेयर। थर्मल बाउंड्री लेयर क्या शो करता है कि जो टेम्परेचर में वेरिएशन होगा वो सिर्फ इस लेयर के नीचे ही होगा,
इस लेयर के बाद जो फ्लूड फ्लो होगा उसका टेम्परेचर हमें सेम मिलेगा जितना इनिशियल में हमें मिल रहा है। ये था थर्मल बाउंड्री लेयर फॉर फ्लो ऑफ कोल्ड फ्लूड ओवर ए हॉट फ्लूड। अब हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का। द फ्लो रीजन ओवर द सरफेस इन विच द टेम्परेचर वेरिएशन इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड थर्मल बाउंड्री लेयर। जैसा कि मैंने बताया कि जिस रीजन तक या जिस लेयर तक हमें टेम्परेचर में वेरिएशन मिल रहा है उस लेयर को हम क्या कहेंगे, थर्मल बाउंड्री लेयर। ठीक है। विथ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज द इफेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर पेनिट्रेट्स फर्दर इन टू द फ्री स्ट्रीम एंड द थर्मल बाउंड्री लेयर ग्रोज। यहां पे जो लिखा है वो बताता हूं क्या है कि जैसे ही हम एक्स डायरेक्शन में आगे की तरफ जाएंगे हमें और ज्यादा सरफेस मिलेगी, और ज्यादा सरफेस मिलेगी तो सरफेस से हीट और ज्यादा होगी, यहां से हीट डिसिपेट। ठीक है। तो जो थिकनेस है हमें वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी पिछले वाले की कंपेरिजन में। ठीक है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको ये है थर्मल बाउंड्री लेयर फॉर फ्लो ऑफ हॉट फ्लूड ओवर ए कोल्ड फ्लूड। ठीक है। इसको भी एक बार समझ लेते हैं। जो हमारी कोल्ड सरफेस है वो एक्स डायरेक्शन में रखी हुई है और जो हमारा हॉट फ्लूड है वो एक्स डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है इस सरफेस के ऊपर, जिसका टेम्परेचर टी इनफाइनाइट है और वेलोसिटी यू इनफाइनाइट है। तो जैसे ही हॉट फ्लूड कोल्ड सरफेस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो होगा क्या, ये जो हॉट फ्लूड था यहां से हीट इसको देगा कोल्ड सरफेस को। ठीक है। तो इस जो फर्स्ट लेयर का टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा, जितना इस कोल्ड सरफेस का था। मतलब अगर हम कोल्ड सरफेस का टेम्परेचर जीरो मान लेते तो इस फर्स्ट लेयर का भी कितना टेम्परेचर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारी हीट किसको ट्रांसफर कर देगा, सरफेस को। ठीक है। इसलिए हमने यहां पे पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। फिर इससे ऊपर की तरफ जाएंगे, इससे ऊपर लेयर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वहां से जो हीट डिसिपेट हो रही है ठीक है वो इसके कंपेरिजन में क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है। तो हमें थोड़ा इंक्रीज मिलेगा टेम्परेचर में। ठीक है। फिर जो सरफेस है ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगी और ऊपर से तो वो क्या होगी, इसके कंपेरिजन में कम होगी। ठीक है। तो यहां पे हमें थोड़ा टेम्परेचर का और ज्यादा मिलेगा राइस। और जैसे जैसे हम एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, यहां से ये कोल्ड सरफेस हीट एब्जॉर्ब करनी क्या कर देगा, बंद कर देगा और एक पॉइंट मिलेगा जहां पे हमें टेम्परेचर क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेट सेम किसके टेम्परेचर के जितना, हॉट फ्लूड के टेम्परेचर के जितना यहां पे। और इस पॉइंट के बाद जो हमें टेम्परेचर मिलेगा वो सेम किसके जैसे मिलेगा, हॉट फ्लूड का टेम्परेचर मिलेगा टी इनफाइनाइट इस पॉइंट के बाद। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे ये प्रोफाइल जो है हमारी ये इंक्रीज करेगी, मतलब यहां पे जो थिकनेस डेल थी वो यहां पे डेल प्लस समथिंग हो जाएगी। और ये डेल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर को। जब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें जो लाइन मिलेगी वो क्या मिलेगी, थर्मल बाउंड्री लेयर। इसी को हम कहते हैं थर्मल बाउंड्री लेयर फॉर फ्लो ऑफ हॉट फ्लूड ऑन ए कोल्ड फ्लूड। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ज्यादा वीडियोस के लिए एक्सट्रीम लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लो।